Hello, namaste, Srikaladavan. Good morning from Adi. So right now today I am in National War Memorial, Delhi, India. Recently inaugurated हुआ है, Shri Prime Minister Narendra Modi ji ने inaugurate किया है. And आज बहुत ज़्यादा rush है because it's Sunday and I'm not alone here. I'm with my friends. So Prateek मेरे साथ आया है. So Prateek और मैं हम दोनों आए. So Prateek और मैं दोनों आया bikes पे और आपको तो थोड़ा बहुत B-rolls तो आपने देख ही लिए अभी तक. So the timing is right now. It's 3 PM and we just reached. और अभी चलते हैं अंदर नेशनल वॉर मेमोरियल. बेसिकली ये जो इंडिया गेट है यहाँ पे और इंडिया गेट के पीछे है. सो वो सारा शूट करूँगा, प्रॉपर कंप्लीट टूर दूंगा आपको नेशनल वॉर मेमोरियल का. सो बहुत एक्साइटमेंट है. एक्साइटमेंट इसलिए बिकॉज ये थोड़ा देशभक्ति वाली फीलिंग है और आजकल तो माहौल वैसा ही आपके अंदर. हाँ, और आजकल माहौल ऐसे ही चल रहा है अपना. सो इसलिए हम लोगों ने प्रॉपर कटिंग और प्रॉपर ट्रिम ट्रुम करके आए हैं और ताकि थोड़ा सा ना ऐसे देशभक्ति वाली फीलिंग है. डिसेंट लग रहे हैं हम आज. एनीवेज तो चलो चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा. और बाकी सारी चीज़ मैं आपको अंदर बताऊंगा क्या क्या इसमें है और क्या क्या इसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा. सो लेट्स गो इनसाइड. और एक और चीज़ बोल देता हूँ अंदर जाने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड अपकमिंग ब्लॉग्स. एंड ऑल्सो जो बेल आइकन है उस घंटे को भी दबा देना, अगर घंटा नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा. सो चलो अंदर चलते हैं एंड लेट्स सी द नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया. सो बेसिकली इंडिया गेट की जो बैक साइड है वहाँ पे अपना नेशनल वॉर मेमोरियल और वी आर जस्ट अबाउट टू रीच देयर. सो अभी यहाँ से दिखाते हैं, बहुत एक्साइटमेंट है. ओके, सो नाउ अभी लाइन में लगेंगे और प्रॉपर चेकिंग होगी यहाँ पे. सो अब मैं अंदर जाके देखते हैं. A few moments later. Okay guys, this is just a problem. DSLR are not allowed inside. बहुत उदासी वाली फीलिंग आ रही, क्या करें यार? इसके लिए कुछ करने सो हमने अभी एंट्री करने से पहले अभी मैं आपको दिखा रहा था. सो उन्होंने कहा कि DSLR अलाउड नहीं है. DSLR अलाउड है बट वीडियोग्राफी के लिए अलाउड नहीं है. और ट्राईपॉड और जो माइक लगा है मेरा रोड का, ये भी अलाउड नहीं है. मेन उनको कंसर्न है माइक ट्राईपॉड, माइक और ट्राईपॉड का कंसर्न है बट वो अलाउड नहीं है. नाउ वी ओनली कैन शूट फ्रॉम फोन. सो प्रतीक के फोन से शूट करेंगे. सो अभी जितनी भी आगे की वीडियो जो होगी वो आपको फोन से मिलेगी. सो दिस इज बैड लक यू कैन से, बट एक अच्छी चीज़ भी है कि सिक्योरिटी अच्छी है बिकॉज ये सब चीज़ों में भी कुछ ना कुछ हो सकता है. सो सिक्योरिटी वाइज इट्स गुड बट अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो बहुत बुरा लग रहा है. सो अब जितने भी आप आगे फुटेज देखोगे वो सब आपको फ़ोन से मिलेंगे. जय हिंद. सो गाइज एज यू कैन सी, ये देखो ये जो पेड़ जितने भी लगे हैं यहाँ से लेके वो पूरे ये वाले जितने भी पेड़ हैं, दिस इज़ द आउटर चक्र ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल. जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो ये है और ये बेसिकली दिस इज़ द रक्षा चक्र विच सिग्निफाइज इंडियन आर्मी मैन, इंडियन नेशनल फ्लैग, बाकी तीनों डिफेंस फोर्स. वो अंदर आके दिखाता हूँ बट दिस इज़ द रक्षा चक्र. सो गाइज बेसिकली जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसमें चार चक्र हैं, अमर, वीरता, त्याग और रक्षा. तो जो मैंने अभी आपको बताया दिस इज़ द रक्षा चक्र, ये जो पूरे पेड़ वगैरह हैं. और अभी अंदर वाले एक्सप्लोर करते हैं बाकी. बट यार मूड ऑफ हो गया यार, इन्होंने कैमरा अलाउड नहीं किया. चले नहीं, वेस सिक्योरिटी रीजंस. ओके गाइस, सो नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द सेकंड चक्र ऑफ दिस वॉर मेमोरियल. बेसिकली ये त्याग चक्र, इसमें देखो सारे जितने भी लोग शहीद हुए हैं आज तक इंडियन आर्म फोर्सेस में, सबके नाम लिखे हुए हैं. एज यू कैन सी एंड दैट अलोंग विद ईयर्स, देखो विद सर्विस नंबर है, नेम और कौन सी बटालियन से था, राइट? रैंक 1969. अच्छा 1970 71. तो ये सबके नाम ऐसे लिखे हुए हैं विच इज़ वेरी गुड थिंग यार, विच इज़ वेरी पेट्रियाटिक बिकॉज ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया में कि इस टाइप से नाम लिखे हुए हैं सबके. बहुत अच्छी तरह लग रहा है, इट्स लुकिंग सो गुड और सो अपीलिंग मैन.
Look at that soldier, guys. कितनी patience है उस बंदे में. Can you see that navy soldier? He's standing there for almost half an hour. हाँ जी भाई, तो अभी तो आपने जो देखा वो था वीरता चक्र, जहाँ पे सारी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी अपनी इंडिया की, जितनी भी वॉर्स उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई है. सो मेक श्योर आप, वो तीसरा चक्र हमने दिखाया आपको है ना, वीरता चक्र सबसे बाहर वाला था, रक्षा चक्र उसके बाद था त्याग चक्र, जो ये है हमारे पास, ये है त्याग चक्र जहाँ पे सारे जितने भी मार्टर्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के उनके नाम लिखे हैं. और जो तीसरा चक्र था वो था हमारा वीरता चक्र जो हमने दिखाया, जहाँ पे सारी वॉर्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिए हैं तो और फोटोज वगैरह हैं. और बिल्कुल अमर जवान ज्योति के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है दैट इज द वीरता चक्र. और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ अमर जवान ज्योति के पास आपको एक इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन डिफेंस फोर्सेज का एक सोल्जर दिखेगा जो अमर जवान ज्योति की प्रोटेक्शन कर रहा है. सो बेसिकली उसका जो टाइम पीरियड है, जैसे मैंने आपको बताया था 30 to 35 minutes, तो 30 to 35 minutes के बाद हर बंदा, हर सोल्जर वहाँ पे रिप्लेस होता है. और हर वीक एक एक आर्म फोर्सेज की वहाँ पे ड्यूटी लगती है. जैसे अभी नेवी है तो नेक्स्ट वीक आर्मी होगा, हाँ, एयर फोर्स होगा, ऐसे चेंज पे रहता है. तो ऐसे वीक वाइज ड्यूटीज लगती हैं, जैसे अभी नेवी है फिर आर्मी होगी फिर एयरफोर्स होगी. सो इस तरह से यहाँ पे चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है. और मतलब रियली हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्म फोर्सेज कि इतनी ज़्यादा अच्छी ड्यूटी देते. ऐसा लग रहा था कि मतलब सांस भी नहीं ले रहा, इतनी यू नो स्ट्रिक्ट ड्यूटी है. सो अभी तीन चक्र दिखा चुके हैं और अभी लास्ट चक्र पे चलते हैं, दैट इज द परमवीर चक्र. सो लेट्स गो. और जो ये बीच वाला चक्र है दैट इज द अमर चक्र, जैसे आप अभी देख रहे हो ये अमर जवान ज्योति के सामने जो इंटरनल, सबसे मोस्ट इंटरनल चक्र इज द अमर चक्र. सो लेट्स गो टू द परमवीर चक्र. Note down the timings guys, summer 9 to 7:30 and winter's 9 to 6:30. Please pause the video and you can read this information which is very beneficial for you if you will visit this National War Memorial. Okay guys, so now we are going to the Paramveer Sthal. Paramsthal, this is the last spot of this National War Memorial. और अभी अंदर चलते हैं और यहाँ पे जितने भी शहीदों को परमवीर चक्र मिला था उन लोगों के यहाँ पे नाम वगैरह सब लिखे हैं. सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और आपको तो पता ही है यार, देशभक्ति कुट कुट के भरी है हमें, कुट कुट के. सो अभी फोन से शूट हो रहा है, होपफुली आपको क्लैरिटी अच्छी लग रही है. सो दिस इज द लास्ट स्पॉट, उसके बाद हम DSLR अपना निकालेंगे और सारी बातें आपसे DSLR पे करेंगे. तो पहले अभी आप परमवीर स्थल देख लो, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. तो लेट्स गो एंड लेट्स एंजॉय दिस द लास्ट स्पॉट ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल. तो यहाँ पे जितने भी लोगों को परमवीर चक्र मिला है तो उनके स्टैचू बना हुआ है और उनके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ. सो इज द कैप्टन JS लारिया, PVC पॉस्थमस, 5 December 1961, परमवीर चक्र. पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड द इंफॉर्मेशन. हैट्स ऑफ. जैसे ये स्टैचूज हैं, जैसे सारे स्टैचूज लगे हैं, बस लगे हुए हैं. ये देखो एक और, फिर आपको मिलेगा देखो यहाँ पे एक और, ये फिर आपको ऐसे बहुत सारे सारे स्टैचूज मिलेंगे यहाँ पे. सारे PVCs हैं.
सो हम कैप्टन विक्रमादित्य का काफ़ी देर से स्टैचू ढूंढ रहे थे एंड फाइनली वी गॉट इट. सो ही इज कैप्टन विक्रम बत्रा हु वॉज पॉस्थमसली अवॉर्डेड द PVC फॉर ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल वॉर में इनको मिला था. सो यू कैन सी यू कैन पॉज दिस एंड रीड इट आउट इनकी जो जितने भी ब्रेवरी थी. So we are done with the visit of National War Memorial. It was wonderful feeling. It was amazing. बहुत मज़ा आया. And finally I got my DSLR. ये DSLR से finally shoot कर रहा हूँ. कुछ बातें आप points note down कर लो अगर आप यहाँ पे आते हो. तो basically आपके पास mic और tripod they are not allowing. और इनकेस अगर आप वीडियो बनाते हो तो DSLR are not allowed to shoot for videos. So basically अगर आपको वीडियो बनानी है तो फ़ोन से आप वीडियो बना सकते हो. और ट्राई करना व्लॉग थोड़ा चुप चुप के करना बिकॉज इट्स काइंड ऑफ टफ हेयर बिकॉज आर्मी वाले बहुत सारे हैं. एनीवेज जो पीछे मेरा दिख रहा है यही अपना परमवीर स्थल था. तो बहुत अच्छा लगा. इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. प्रतीक बता तेरे को कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज हर चीज़ है यहाँ पे और वॉशरूम फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल है. सो अगर आप आते हो तो वॉशरूम वगैरह आप अंदर जा सकते हो. बट ऑल्सो ईटेबल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड. कोई भी आप खाने के सामान आइटम नहीं ले सकते और आपको नीचे कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं. आपके पास है तो आपको वो अंदर नहीं जा. हाँ अगर आपके पास कुछ अगर आपके पास कुछ खाने के लिए भी है तो वो भी आपको सबमिट कराना पड़ेगा. सो ये तो था हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल का विजिट. बहुत अच्छा लगा. बहुत मजा आया. ओके गाइस सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. आई होप यू गाइस हैव फाउंड दिस वीडियो वर्थ इट एंड नॉलेजेबल. और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो. ज्यादा परफेक्ट पता नहीं बना है नहीं. इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको अच्छा लगा परफेक्ट लगा तो आप प्लीज एक लाइक कर देना एंड प्लीज मेक श्योर टू लीव योर थॉट्स ओवर द कॉमेंट सेक्शन और बताना कि आपको कैसा लगा. सो देखते हैं अभी फोन से शूट किया जितना हो सका किया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड राइट सेफ राइट हैप्पी राइट कॉन्फिडेंट एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. खाओ भी मजे करो ऐश करो क्या पता कल हो ना हो. बाय बाय टेक केयर. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड द नेक्स्ट व्लॉग विल बी कमिंग वेरी सून. और बहुत ही जल्दी एक राइड होने वाली है वो आपको सब पता चल जाएगा इंस्टाग्राम पे. सो ये रहा इंस्टाग्राम का हैंडल. इस पे जाके फॉलो कर लो आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी. सो बाय बाय फ्रॉम माय साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम प्रतीक. सो बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंद जय हिंद जय हिंद.